हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हम हरियाणा में हैं गौरव भाई के पास। और गौरव भाई हमसे पिछले 2-2.5 साल से जुड़े हुए हैं। ये हमारे साथ जब जुड़े थे, जब हमारे 5 सब्सक्राइबर थे मेरे भाई, और आज भाई के पास आए। काफी दिनों से आने का विचार था, पिछले साल भी इन्होंने कहा लेकिन आने का टाइम नहीं हुआ। और आज इनके हमने सफेदे के भी पेड़ देखे और पॉपुलर के भी सभी पेड़ देखे, 1.5 साल के 2.5 साल के 8 महीने के। भाई बहुत अच्छा लगा। और भाई ने एक अलग ही तरह का काम किया। मेरे भाई जॉब करते हैं और पॉपुलर की खेती इस पैमाने में कर रहे हैं कि इनके जज्बे को सलाम है। मेरे भाई भाई से मिलाते हैं, क्या क्या खाद डाला, कैसे इधर इनका रुझान हुआ, तो पूरी चर्चा होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए आप। गौरव भाई जी नमस्कार। राम राम मोहित भाई, ठीक हो बड़े भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। अजी बड़े भाई, आपसे बहुत दिन से मिलने की तमन्ना थी और आपके खेत को देखने थी। पहले तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो किसान भाइयों को। मेरा नाम गौरव जी और मैं पंचकुला से हूँ जी वैसे, और ये हमारा गांव पड़ता है नारायणगढ़ तहसील में। अच्छा जी। गाँव का नाम है धनौरा। अच्छा जी। और ये हरियाणा में आता है। अच्छा। और जिला है अम्बाला। अच्छा गौरव भाई, ये बताओ आप काम क्या करते हो? मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, IT में हूँ और HCL कंपनी का नाम है, तो नोएडा मेरा आना जाना रहता है। अच्छा, ऑफिस मेरा नोएडा में है। कब से जॉब कर रहे हो गौरव भाई? जॉब करते हुए तो मेरे को काफी साल हो गए, 18 साल हो गए। अच्छा, तो ये पॉपुलर की दुनिया में आने का कैसा विचार बना एकदम से? देखो, ये जमीन तो हमारी जद्दी है, हमारे पिताजी करते थे पहले। बिल्कुल जी। और कुछ वजह से वो बीमार हो गए हैं जी जी, तो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आई है। बिल्कुल, तो ठेके पे देने से अच्छा था, मैंने सोचा कि हम खुद ही कर सकते हैं। अब पढ़े लिखे हैं जी जी तो आपसे भी कनेक्ट हुआ, तो आपसे भी कुछ बहुत कुछ सीखा जी तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी नहीं बड़े भाई, आपके जज्बे का सलाम ऐसे है। देखो जो बहुत भाई हैं बाहर जॉब कर रहे हैं, अपने खेती की तरफ को बिल्कुल नहीं देख रहे ना, वो देख रहे कि भाई बड़ों की धरोहर है, इसे देखना चाहिए, करना चाहिए, अपनी वही जॉब में सेटल है, गाँव में आने का कोई नाम ही नहीं। आपने इसमें अपनी परंपरा की खेती के पास आए, इसमें अलग ही जुनून के साथ पॉपुलर की खेती करी, सफेदे की भी खेती दिखाएंगे हम भाई की आपको, और इतना अच्छा लग रहा। देखो आप एक ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ आप खेती में कभी पहले भी नहीं रहे और आप अपना जॉब का काम करते हो, और इतने अच्छे से आपने मेंटेन कर रखा है सभी पेड़ आपके, हमने देखे 8 महीने के भी भाई, 1 साल 8 महीने के, 2 साल 8 महीने के, इस तरह बहुत कम आदमी कर सकते। ये जुनून आप में कहाँ से पैदा हुआ है बताओ? जुनून नहीं है मोहित भाई, ये तो आप लोगों से मार्गदर्शन हुआ है। अजी नहीं, मैं तो क्या था, आजकल नॉलेज भी बहुत है, मतलब इंटरनेट पे भी नॉलेज बहुत है जी जी। और आप लोगों को देख के, लोगों से पढ़त करके जी, तो इसको करने की ट्राई कर रहे हैं जी। अभी वहां नहीं पहुंचे हैं जहां पहुंचना चाहते हैं, बट हाँ मुझे लगता है कि अब हर साल बेहतर होते जा रहे हैं हम। नहीं जी भाई जी, बहुत बढ़िया लग रहा। और आप ये बताओ, ये आपका प्लांट जो हम देख रहे हैं ये कितने साल का है? ये 2.5 साल का है जी। हाँ मतलब 2 साल 8 महीने का लगा। 2 साल 8 महीने। हाँ जी, जंगली की प्लांटेशन थी। और ये आपकी 112 वैरायटी है? देखो ये 112 वैरायटी है जी। और आप देखो ग्रोथ देख सकते हो भाई, एक बार हाथ से थोड़ा मैं आपके दिखा दो। ये देखो भाई जी, मुझे लगता है 24 इंच तक होगा, 23-24 इंच। बिल्कुल बिल्कुल जी, देख लो भाई। और ये आपका भाई का 111 वैरायटी है देखो। ये थोड़ा सा सफेद नजर आता है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी काफी अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो गौरव भाई, जैसे आपने इसमें खेती कर रहे हैं, आपने इसमें खाद का क्या असर दिखा है, खाद का असर पड़ता है? देखो जी, खाद तो इसके अंदर मोस्टली हमने जब गेहूं लगाते हैं तब डाई सुपर वगैरह जो गिरता है वो गिरता है, बट इस साल से हमने इसके अंदर खाद डालना भी शुरू किया है, खासकर बारिश के सीजन में। जैसे आपने ये यहाँ पे वो करवाई, सफाई कराई थी? सफाई करवाते हैं जी, और इसके ऊपर फिर हमने खाद गारा। ये इसलिए भी किया है क्योंकि 2 साल से हमारे एरिया में फंगस की बीमारी आ रही थी जी जी, और उस फंगस को कंट्रोल करने के लिए तब तो हम सुपर के अंदर वो कार्बेंडेजम और मैनकोजिव वाला जो साफ दवाई आती है जी जी, तो वो हम अक्सर डालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज 2 साल से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था हमको जी जी, तो वो डाला है, और साथ में सुपर यूरिया जो भी को भी खाद है, वो तो बारिशों के सीजन में बहुत बेनिफिशियल है। तो गौरव भाई, आप ऐसे कैसे मैनेज कैसे करते हो? जैसे आप नोएडा रहते हो, यहाँ पे कैसे हफ्ते में आते हो, 2 हफ्ते में आते हो, कैसे? तो यही एक मेरा रीजन है कि पॉपुलर को क्यों मैंने चूज किया मोहित भाई जी। तो पॉपुलर एक ऐसी खेती है जिसमें आपको रोज रहना, आपका चौकीदारी वहां जरूरी नहीं है रोज रहना। बिल्कुल। तो मैं वीकेंड पे, तो मेरी मंडे टू फ्राइडे तो मेरी जॉब होती है नोएडा में जी जी, तो और मैं एवरी सैटरडे संडे तो मैं यहाँ नहीं, कोशिश करता हूँ, और मेरे पास केयर टेकर भी है जी, जो जी, उसको मैनेज करता है जी, तो हाँ, तो पॉपुलर एक ऐसी खेती है जहाँ आपको रहना बहुत ज्यादा केयर नहीं मांगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अगर आप इसको बस थोड़ा देख रेख ठीक रखें शुरू से जी जी, और वैरायटी ठीक लगाएं, पानी वगैरह ठीक दें, तो और ज्यादा कुछ ये मांगता नहीं है भाई। नहीं गौरव भाई, बहुत ये मान के चलो, बहुत आदमी ऐसे हैं जो अपना बाहर जॉब कर रहे या अपना व्यवसाय कर रहे,
गांव में ये बोलते हैं कि यार अगर हम पेड़ लगा लेंगे तो हम कर नहीं पाने के, हम मैनेज नहीं कर पाने के, उनके मन में बहुत सवाल है इसलिए। नहीं नहीं, ये तो सबसे इजी है, जब मेरे जैसा इंसान जो कि नोएडा जाता है 5 दिन जी और खेती भी कर रहा है, तो अगर मैं कर पा रहा हूँ तो सभी कर पाते हैं। और मैं, मेरे को 2 साल पहले अगर मुझे देखा जाए तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये खेत किसका है, मेरा है कि किसी और का है, तो मैं उस स्टेज पे था। बट ये तो वो है मोहित भाई, जब आपने कंट्रोल लेना चाहा, जब आपने कुछ करना चाहा, अगर आपका दिल लगता है तो मेरा इस चीज के अंदर बहुत दिल लगता है, मैं पैसे के लिए नहीं आया यहाँ पे, एक सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे को वो भीड़ भाड़ से यहाँ पे मुझे बड़ी मन की शांति मिलती है और वही मेरा रिफ्लेक्ट करता है इस काम के अंदर। तो नहीं देखो गौरव भाई, पैसा एक अपना अलग चीज है, लेकिन जो अपने बड़ों की धरोधर पे या खेती में आके जो सुकून मिलता है वो बहुत कम आदमी को मिलता है, या उन्हें पता नहीं है। बिल्कुल ठीक भाई, बहुत आदमी अपने खेत में भी जाना नहीं पसंद कर रहे, आज का टाइम ऐसा चल रहा। मोहित भाई, ये हमने जमीन ठेके पे दी हुई थी। अच्छा जी। जब मेरे पिताजी बीमार हो गए तो ये कुछ साल ठेके पे रही, तो ठेके पे देने से अच्छा तो आप खुद करो, बिकॉज वो तो अगर आप जमीन का मतलब खराब ही हो जाती है मोस्टली। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बेटर मैंने यही सोचा कि मैं खुद ही बीड़ा लेता हूँ और खुद ही प्लांटेशन करता हूँ, और जो अभी रिजल्ट आया तो मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। नहीं गौरव भाई, जैसे आपने पहले भी देखो यूट्यूब पे बहुत आदमी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो के बारे में कहते हैं कि पेड़ भाई 3 साल में 4 साल में तैयार नहीं हो सकता। देखो आप इस चीज में नए हो, आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो सकता 4 साल में? मैं भी शुरू शुरू में नहीं विश्वास करता था मोहित भाई कि प्लांट नहीं, पर जब मैं खुद नजरों से देख रहा हूँ, अभी आपने हमारा प्लांट भी देखा जो कि 8 महीने पुराना है और वो अभी से 12-12, 13-13 इंच है, तो इसका मतलब ये जरूर हो सकता है। बिल्कुल। और आजकल जिस तरह की वैरायटी आ रही है मोहित भाई, थोड़ी सी चीजों का ध्यान अगर आप रखें तो बिल्कुल आराम से हो सकता है 4 साल में आपका पेड़ 28 से 32 इंच तक तो इजिली हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव भाई, जैसे आपने ये कितनी दूरी पे प्लांट लगा रखा? ये 13/10 पे है मोहित भाई। सभी प्लांट आपने अलग अलग दूरी पे लगाए? सबका एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये तो काफी पुराना था उस टाइम, तो आपसे मुलाकात भी नहीं हुई थी जी। तो अब जो मैंने प्लांटेशन लगाई है वो 14/14 पे लगाई है, बिकॉज मेरे को लगता है कि दूरी का वाकई में महत्व है मोहित भाई। 13/10 का भी एक्सपेरिमेंट किया है, 14/10 का किया है, 15/12 का किया है और 18/10 का भी किया है। तो अब उनमें से देखें इनका रिजल्ट कैसे आएगा, बट मुझे लगता है कि दूरी थोड़ी सी और बढ़ जाती इस प्लांटेशन की तो और बेटर होता। नहीं जैसे आपके क्षेत्र में भाई पॉपुलर भी लग रहे, कोई कम दूरी पे भी लगा रहा, इस बात को समझ नहीं पा रहे, आप भी बताते होंगे, लेकिन जब अगर वो प्रैक्टिकल करेंगे तो कहीं ना कहीं समझ आएगी ये बात। बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में मोस्टली लोग 12/10 जी 13/10 से ऊपर नहीं बढ़ते हैं जी जी। तो मैं शायद मैं पहला इंसान हूँ जिसने ये ट्राई भी किया 14/14 पे जाने का, और बहुत लोगों ने मुझे टोका भी कि आप क्यों लगा रहे हैं, इसमें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए खेत खाली छोड़ दो। बट जो अभी ग्रोथ अभी देखने को मिल रही है मोहित भाई, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हमको दूरी बढ़ा के ही लगानी चाहिए, बिकॉज अगर आपकी ढानी आपस में मिल गई तो फिर इनकी बढ़त रुक जाती है। और जो कि इस दूसरे मेरे प्लॉट में हो रहा है जहाँ मैंने थोड़ा सा नजदीक लगा दिया था। बिल्कुल, देखो भाई अभी आपके 2 साल 8 महीने के पेड़ है। हाँ जी। और इनकी थोड़ी थोड़ी डांडियां टच होने लगी, मिलनी शुरू हो गई। अगर 1-2 फीट और दूरी होती तो और अच्छे से, और ये अगले साल और फिर ज्यादा अच्छी ग्रोथ कर, और अच्छे ग्रोथ कर। देखो 2 साल तक तो आप कम दूरी पे भी पेड़ की ग्रोथ करा सकते हो। बिल्कुल। लेकिन 2 साल के बाद उसे कहीं ना कहीं ज्यादा भोजन चाहिए, ज्यादा धूप भी चाहिएगी, वो आपके पौधे को मिल नहीं पानेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मानोगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। सही सही। तो गौरव भाई, आप किसान भाइयों को अपने जरिए क्या संदेश देना चाहोगे ये और बताओ। बेझिझक लगाओ और पॉपुलर लगाओ, खासकर अगर आप कहीं और नौकरी करते हो, आपकी जॉब कहीं और है, किसी और शहर में हो, कोई और प्रोफेशन है, तो इससे आसान प्लांटेशन, इससे आसान साइड बिजनेस नहीं हो सकता। ये सस्टेनेबिलिटी के लिए भी अच्छा है, प्लैनेट के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, और 2 पैसे भी आ जाते हैं। बिल्कुल जी। और बताऊं क्या भाई, आप गन्ने की खेती कर रहे हैं या जीरी कर रहे हैं तो इतना मन नहीं लगता, इस प्लांटेशन में आने के बाद बहुत मन लगता है। बिल्कुल, ये तो अभी आप थोड़ा सा बरसात के सीजन में आए हैं, अगर आप सर्दियों के सीजन में आएंगे तो यहाँ बैठ के हम खाना भी खा सकते हैं। भाई सफाई रहती है, हल्की हल्की छाया रहती है, तो मन लगता है। बिल्कुल, तो मेरा यही मैसेज है कि इसको और प्रोत्साहन देना चाहिए पॉपुलर का, किसी भी लकड़ी का। बिल्कुल बिल्कुल। देन ट्रेडिशनल खेती जो हम जीरी गन्ना गेहूं के लिए करते हैं जी। और इसमें मेहनत भी कम है, खर्चा भी कम है, सिरदर्दी भी कम है। सही। तो या, कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो आपकी बात को सही है। देखो कुछ किसान भाई हमारी वीडियो देख रहे, देखो हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है, देखो हम इस खेती को कर रहे, हमें इसमें फायदा दिखा, हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस खेती को करोगे तो इसमें नुकसान नहीं है, आपको फायदा होगा। लेकिन कुछ किसान भाई कमेंट करते हैं कि सब पेड़ लगा लेंगे तो मंदा आ जाएगा। सब कोई हर एक काम नहीं कर सकता,
सभी फसलों में ये मान के चलो मल्टीप्लाई होता रहता है, कभी कोई गन्ना करता रहता है, कोई जीरी करता है, कोई सब्जी की खेती करता है, तो ऐसे ही होता रहेगा, तो सब में बैलेंस बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर एक चीज ज्यादा हो जाएगी तो वो नहीं, तो प्लाई की डिमांड भी ज्यादा होती जा रही है। पहले प्लाई की डिमांड कम थी, और लकड़ियां बहुत महंगी होगी, यही लकड़ी है जो हर आम जनता के काम आ रही। बिल्कुल, मान लो कि नहीं। बिल्कुल, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम ये नहीं प्रोत्साहन दे रहे कि आप सब लगाओ, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप लगा रहे हो तो उसको सही तरीके से लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट एफर्ट जो आपका जा रहा है वो जाया ना जाए। नहीं, अगर आप कर रहे हो तो जुनून के साथ करो, तो ढंग से करो, नहीं तो फिर आप करो ही ना, अपना भाई चक्के पे दे लो, कहीं पे दे लो, किसी पे दे लो, अगर आप कर रहे हो तो एक जुनून के साथ करो, तो आपका पेड़ 3 से 4 साल में तैयार हो जाएगा। तैयार है, तैयार। बिल्कुल, और आपको अच्छा फायदा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गौरव भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप अपना एक सफेदे का भी गौरव भाई का प्लाट है वो भी दिखाएंगे अभी हम अगली वीडियो में, और सफेदे में कौन सी वैरायटी अच्छी है उसके बारे में पूरी चर्चा होगी, इसलिए अगली भी गौरव भाई की वीडियो आएगी, उस वीडियो को देखे। और गौरव भाई एक बार और बताओ, जैसे आप हमारे जब से जुड़े हो, जब हमारे 5 सब्सक्राइबर थे मेरे भाई, जी जी जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद रहा, आज भगवान की दुआ से 8-9 हजार सब्सक्राइबर हो गए, और आपको हमारी वीडियो से कितना इसमें ये मिला, हेल्प मिली है, और बताओ। मैं आज आपने पूरी पूरी प्लांटेशन देखी मोहित भाई, और आपने कहा कि आपको काफी अच्छी लगी, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, बिकॉज मैं आपको एक बड़े भाई की तरह देखता हूँ, मेंटर की तरह देखता हूँ, और जब मैंने आपसे बात की थी तो मैं दुविधा में था, मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि कैसे प्लांटेशन होती है, क्या करना चाहिए, तो आपके साथ जुड़े रहने पे तो ये अपने आप एविडेंट है सारा कुछ जो आप देख पा रहे हैं, तो ये आपके मार्गदर्शन से हुआ है मोहित भाई। नहीं, बड़े भाई आपसे हम टच जरूर रहेंगे। वो नहीं, देखो मार्गदर्शन भी कहाँ तक काम करेगा जब आदमी के अंदर जुनून नहीं रहने का, आपके अंदर खुद जुनून है उसे अच्छा करने का, इसीलिए इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे। तो गौरव भाई आपकी खेती देख के हमें बहुत अच्छा लगा, और आपने हमारा इतना मान सम्मान करा, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया, और हम तो ये कहेंगे आप मुझे फोन ना कराओ, आपका मोस्ट वेलकम है बड़े भाई। जरूर जरूर। अच्छा गौरव भाई नमस्कार। देखो किसान भाइयों, गौरव भाई के पेड़ हैं 2 साल 8 महीने के, कैसे प्लांट लगे और कैसी गौरव भाई की बातें लगी, कमेंट करके जरूर बताइयो, और ये उन किसानों के लिए एक अलग ही तरह का संदेश है जो खेती से अपनी जान बचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो भाई काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, हम ये खेती कर नहीं सकते, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। धन्यवाद।